देखिए दोस्तों, आज मैं जो है सफड़े की सब्जी बनाने जा रहा हूँ। ये सफड़ा बहुत ही महंगी सब्जी है। इस समय ये मार्केट में 400 रुपया केजी का है दोस्तों। बहुत ही अच्छी सब्जी होती है। देखिए ये सफड़ा है जो मैंने धो लिया है, 10-15 बार धोया हूँ, क्योंकि ये मट्टी में होता है, इस नाते इसको धोना बहुत ज़रूरी। साफ करके धो लिया हूँ। फिर दोस्तों देखिए, इसके टुकड़े टुकड़े मैंने काट लिए हैं। इसमें दोस्तों देखिए, प्याज है, ये टमाटर है एक छोटा सा, ये 2-3 मरची, हरी मिर्च है, ये लहसुन की कलियां हैं। इसमें तड़के के लिए दोस्तों, तड़के के लिए हमने ये मसाला तैयार किया है। देखिए दोस्तों, दालचीनी है, अजवाइन है, 2 लौंग है, 2 मरचा है, ये बड़ी इलायची है, 2 तेज पत्ते हैं, ये छोटी इलायची है दोस्तों, ये बड़ी इलायची को तोड़ दिया हूँ, ये दोस्तों जायफल है, ये जो है शाह जीरा है, हरी सौंफ है दोस्तों, ये जो है काली मिर्च है, और ये दालचीनी का एक टुकड़ा है। इतने सामान को जो है तेल में, मैंने मेरी कढ़ाई गर्म हो चुकी है और इसको मैं तेल डाल दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने इसमें तेल डाल दिया है। तो इसमें मैंने तेल डाल दिया है। इसमें हम सब मसाले को ऐड कर देंगे। देखिए दोस्तों, तड़का जो है ये जल चुका है। इसमें हम जो है प्याज को ऐड कर देंगे। लहसुन डाल देंगे, प्याज मरचा डाल देंगे, इसको अगले देश को चलाना है। इसमें दोस्तों अब मैं टमाटर डाल दे रहा हूँ। और इसमें मसाले के रूप में दोस्तों देखिए, ये आपका धनिया पाउडर है, ये जो है गरम मसाला है, ये गरम मसाला है, ये जो है जीरा पाउडर है, ये लाल मिर्च पाउडर है, ये हल्दी पाउडर है, और ये दालचीनी पाउडर है, ये धनिया पाउडर है। इस सबको हम इसमें डाल देंगे। मसाला न जलने पाए दोस्त, इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड कर देंगे। देखिए दोस्तों, ने पानी ऐड कर दिया है, तो अब इसमें दोस्तों हम सफड़े को डाल देंगे। ये सफड़ा मेरा पड़ गया है। अब इसको हम चला करके अच्छी तरह से इसको भूनेंगे। इसमें दोस्तों अब मैं जो है 1 चम्मच नमक डाल दूंगा।
और इसको जो है थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे दोस्तों। इसको दोस्तों तोप देंगे ताकि ये धीमी आंच पर पक जाए। देखिए दोस्तों एक मिनट हो गया है, सब्जी की वह पक रही है, इसको मैं थोड़ा सा चला दूंगा। जब टमाटर वगैरह सब गल जाएंगे, देखिए भी टमाटर गल रहे हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों मेरी ये सब्जी पक चुकी है, इसको देख के मैं निकाल रहा हूँ। देखिए दोस्तों ये सब्जी पूरी तरह पक के तैयार हो गई है, बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक सब्जी है।